नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्ट अकाउंटेंट, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन लेकर के। देखिए क्या है, अभी हमने 31 मार्च 2018 पास किए हैं और 31 मार्च 2018 को रादर उससे हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ये मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आ रहे थे कि आप रिटर्न भरिए, यदि आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18 की रिटर्न इसके बाद में नहीं भरी जा सकती है। निश्चित रूप से सर कोई गलत मैसेज तो यह है नहीं, मैसेज बिल्कुल सही था कि अब यानी 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स आप असेसमेंट ईयर 17-18 और 16-17 की रिटर्न नहीं भर सकते। अब दो क्वेश्चन और आंसर होने हैं सर। एक, मान लीजिए आपने असेसमेंट ईयर 17-18 की रिटर्न भर दी है और आपसे कोई पर्टिकुलर डेटा रिटर्न में आने से छूट गया है, यानी आपसे कोई गलती हो गई है या आपने कोई चीज गलत क्लेम कर ली है और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करें, तो क्या वो रिटर्न रिवाइज की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो सर, हम यदि असेसमेंट ईयर 17-18 की बात करते हैं जिसके लिए फिनेंस एक्ट 2016 लगता है, उसके हिसाब से रिवाइज रिटर्न भरने की समयावधि थी अप टू 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर। इट मीन्स असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए 31 मार्च 2019 तक भी एक रिटर्न रिवाइज की जा सकती है यदि वो फाइल कर दी गई थी विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 31st of March 2018। रादर सर, जो व्यवस्था पहले बनी असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए वो तो यह बनी थी कि एक बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है, तो आपने चाहे टाइमली रिटर्न फाइल करी चाहे बिलेटेड रिटर्न फाइल करी, यदि असेसमेंट ईयर 17-18 की आपकी एक वैलिड रिटर्न 31 मार्च 2018 तक फाइल्ड है तो आप उसे 31 मार्च 2019 तक ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट के बेसिस पर रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा प्रश्न सर, मान लीजिए 31 मार्च 2018 तक रिटर्न भरी ही नहीं परंतु हमें दिख रहा है कि साफ टैक्स लायबिलिटी तो थी, तो कैसे रिटर्न भरें? रिटर्न आप तब तक नहीं भर सकते जब तक आपके ऊपर 142 या 148 सेक्शन में एक नोटिस ना आ जाए। परंतु सर इसमें क्या गलत हो, यदि असेसी अपनी ओर से टैक्स का पेमेंट कोई बनता हो तो चुका के बैठ जाए, रिटर्न तो आप नहीं भर सकते। कल डिपार्टमेंट आपको किसी नोटिस के थ्रू बुलाएगा, आइए साहब आपकी इनकम थी आपने रिटर्न नहीं भरी, बट इफ यू विल पे द टैक्स लायबिलिटी टुडे देन मेरी ओपिनियन में सर आपके ऊपर 234B का इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। 234A जो रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से लगती है वो लगेगी, लेकिन 234B का मीटर 1% पर मंथ का बहुत स्ट्रांग मीटर है सर, वो रुकना बहुत जरूरी है। तो एक आप पर इंटरेस्ट 234B का बचा, दूसरे आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी सर, प्रोबेबली पेनल्टी बचाने के लिए और इंटरेस्ट बचाने के लिए ये कदम उठा लेना भी सही रहेगा। तो सर ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न एंड इन टर्म्स ऑफ वेयर यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न स्टिल यू आर इंटेंडिंग टू पे द टैक्स लायबिलिटी, बेटर पे इट ऑफ एंड गेट रिड ऑफ एनी काइंड ऑफ पेनल कॉन्सिक्वेंसेस, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस अंडर सेक्शन 234B। एक तीसरी बात सर जो मेरे दिमाग में और है जो मैं सोचता हूं आपसे डिस्कस कर लें तो अच्छा रहे, दैट इज रिगार्डिंग 148 के नोटिसेस सर जो अब शुरू हो गए आने फॉर द असेसमेंट ईयर 11-12। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है, असेसी लोग सोचते हैं यार अपन नोटिस ही ना लें, नोटिस ही सर्व ना हो तो कैसा हो, है ना, नोटिस को लौटा देते हैं। ये अप्रोच सर सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप यदि नोटिस सर्व नहीं करवाते तो भी डिपार्टमेंट किसी ना किसी तरीके से अपनी ओर से कम्युनिकेशन कर देता है कि ये आप पर 148 का असेसमेंट पेंडिंग है। यदि आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में डिपार्टमेंट जिस भी विषय पर उन्हें संदेह है पूरा का पूरा इनकम में जोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे खाते में 12 लाख कैश जमा हुए, 8 लाख निकले, यानी नेट मैंने 4 लाख कमाया। अब मुझे नोटिस आया कि साहब आपके खाते में पैसे जमा हुए, जरा रिटर्न भरिए, बताइए क्या है। अब मैं रिटर्न ही नहीं भर रहा, गायब हो गया, तो सर फिर पूरे 12 लाख का एडिशन होगा और जवाब दूंगा तो फिर 4 लाख का एडिशन होगा। सो दिस इज ऑलवेज बेटर टू रिस्पॉन्ड, बल्कि एक सुनहरा मौका है सर आपके सामने। यदि 148 का नोटिस है और आप उसके जवाब में रिटर्न फाइल कर देते हैं टैक्स पे करते हुए, देर आर वेरी थिन चांसेस दैट द असेसी विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग। तो इसलिए सर ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 148 के नोटिसेस का रिस्पांस करना है और
आपके रिस्पॉन्स करने के बाद डिपार्टमेंट उस असेसमेंट को बेस्ट जजमेंट में नहीं कर सकता, फिर उनको स्क्रूटनी के मैनर में यानी आपसे पूरा पूछ के समझ के आपके डिडक्शंस दे के ही वो असेसमेंट करना होगा। सो इस प्रकार से सर असेसमेंट की इस कार्यप्रणाली को समझना और उसको लागू करवा पाना एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए मैं अपना डिस्कशन यही समाप्त करता हूँ। यदि आपके कोई क्वेरीज होंगी तो मैं अपनी ओर से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।